बटाला में शिवसेना के जिला प्रधान के भाई मुकेश नैयर का कत्ल का मामला सामने आया था और पुलिस ने मामले की गुत्थी सुलझाने का दावा करते हुए इस कत्ल की वारदात को अंजाम देने वाले दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि पुलिस ने पिछले दिनों आरोपी को गिरफ्तार कर इस कत्ल के पीछे लूट का मामला बताया था और मृतक के परिवार और शिवसेना नेताओं का कहना है कि वे पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं हैं और उनका कहना है कि जो लूट की वजह बताई जा रही है वह झूठ है। मृतक की पत्नी मीतू नैयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस जांच पर सवाल उठाए और मांग की कि उसके पति के कत्ल करने वाले से दोबारा जांच की जाए कि उसके पति के कत्ल करने वालों से दोबारा जांच की जाए और कत्ल की जो सच्चाई है उसे सामने लाया जाए। मृतक मुकेश की पत्नी का कहना था कि अगर पुलिस ने सच्चाई सामने नहीं लाई तो वह बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल शिवसेना नेता योगराज और मृतक के भाई रमेश नैयर ने कहा कि यह एक राजनीतिक रंजिश के साथ मुकेश पर हमला कर उसका कत्ल किया गया है और पुलिस इस मामले में सच्चाई सामने लाए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह अदालत का रास्ता अपनाएंगे, वहीं इंसाफ के लिए पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस साडा जिहड़ा छोटा भरा मुकेश नैयर है जिहड़ा पिछले दिन बड़ी बेरहमी नाल कतल होया, अज तक जिन्नी भी जांच हुई है साडा परिवार उस जांच तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पुलिस कहती है भी ये लुट खोह के मसले नाल यह कतल होया, जबकि जो साढ़े भरा को ज्वेलरी सी जो जेब च कैश सीगा वह मौके पर बरामद होया, तो सब तो पहला तो पुलिस तो यही उंगल खड़ी होंगी है वह अगर लुट खोह सी तो फिर उन्होंने ज्वेलरी उनके कोल क्यों, फिर वो लुट खोह करके ज्वेलरी लाई देंगे। इस करके जी जाँच है सही दिशा वाले पासे नहीं गई है, परिवार का पूरे बटाले शहर का रोष है, ये जाँच वधिया तरीके होनी चाहिए है, लेकिन आप बार बार पुलिस सानू आश्वासन दे रही है लेकिन कर कुछ नहीं रही, तो मैं लगता कि साढ़े परिवार को जोड़ा है आदरणीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एक हफ्ते का टाइम पुलिस ने अपना दिता, नहीं तो एक हफ्ते बाद आप एक पटीशन दायर कर जा रहे हैं, उसके प्रति आप देखा कि सेंटर की किसी भी एजेंसी को जांच की मांग NIA को CBI को इस केस की जी जांच हैगी NIA CBI करे तो जो सच्चाई सामने आ, क्योंकि पुलिस कह रही है भी स्कूटी नहर चों बरामद की, असी कह रहे हैं भी उस स्कूटी के 1.5 लाख रुपया सेगा, पुलिस कह रही है 15,000 रुपया सेगा, अगर 15,000 रुपया तो पुलिस को अगर स्कूटी जो पुलिस ने बरामद की है मीडिया के सामने उस नहर के स्कूटी कढ़ दे, मीडिया के सामने उसकी डिग्गी का लाग तोड़ के दस दे भी वो बरामद होया, आप किस तरह मान लीए भी 1.5 लाख रुपया वो पिया हो तो वो पुलिस अच्छ कह रही है भी 15,000 बरामद हो, सारिया चीज़ा जड़िया ये शक के घेरे में, आप पुलिस की जाँच से 5% भी संतुष्ट नहीं है, अपनी संतुष्टि वास्ते साढ़े भरा नाल की होया उस वास्ते आप स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं भी अगर हाई कोर्ट भी जाना पाया सेंटर की एजेंसी को मंग करा हाई कोर्ट भी साड़ी जी जाँच आ किसी सेंटर की एजेंसी को। हाँ जी प्रधान जी जी मैं जी ए इना की है जी जाँच पुलिस की कंप्लीट नहीं हैगी कि इस कंप्लीट किया जाए, क्योंकि ये मगर जोड़े लोग ने जिन्होंने फंडिंग की उन्होंने बारे कि एजेंसियों ने करवाया वो बारे जी आप SSP साहब को मांग करते पंजाब सरकार को मांग करते कि इन जी पूरी दुध तो पानी का पानी किया जाए, जे प्रशासन अजे भी गौर नहीं करता तो फिर वो बारे जो पंजाब प्रधान योगेश शर्मा जी लिखन गए जो मेरी पार्टी हुक्म करी वो मुताबिक आप चलना, एक नजायज संबंधा की गल शहर चर्चा का विषय बनी हुई है, ये पुलिस वालों ये गल फैलाई गई है क्योंकि मेरे को रिकॉर्डिंग है कि अफसर ने यह गल फैलाई है कि नजायज संबंधा का ही, क्योंकि सिर्फ जोड़ा प्यार बटाले जनता ने सू दिता वो इन्होंने हजमी होते करके इन्होंने फैलाई आ। देखो जो पुलिस न हर एक क्लू असी दिता असी उन्होंने कहा कि अब ब्लड जरा 3-4 जगह पर पिया होया उन्हों की जाँच की जाए, सानू अज तक नहीं कुछ पता लगा, ठीक है। दूसरी गल आप कोई भी चीज़ आ अं नाम नहीं लेंदे, पुलिस की करती पई है सानू वह चाहिए, ठीक है। दूसरा मेरा उपर सरकार तक हाथ जोड़ के बेनती है कि जो भी हो रहा है यह हफ्ते तक सानू क्लीयर करन मेरे हसबेंड के कातलों सामने लियान। दूसरा मैनू हफ्ते तक ना पता लगा, देखो मेरा इस तो माड़ा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, मैं अपने बच्चे लैके मैं पुलिस थाने के बाहर सुसाइड कर लाँगी अगर
ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕਾਤਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਏ ਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਕ ਨਿਤ ਨਿਯਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਐਨ ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।